हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 11th का थीम 4 जो हमारी हिस्ट्री की चल रही थी, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कि किस तरह से इस्लामिक लैंड यानी कि एक तरह से हम पढ़ने वाले इस्लाम धर्म के बारे में कि किस तरह से अरेबिक रीजन में या जहाँ जहाँ पे भी इस्लाम फैला वो कैसे फैला। तो अभी हमने पार्ट लास्ट पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अब हम देखने वाले हैं कि इमर्ज कैसे हुआ था, राइज कैसे हुआ था इस्लाम अचानक से। लाइक एक एक टाइम होता है कि कुछ नाम ही नहीं होता मुस्लिम धर्म का या कुछ भी, इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एकदम से एक आइडियोलॉजी जब एग्जिस्ट करती है तो क्या डिफरेंस आते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम राइज ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, विश्वास की, कम्युनिटी की और पॉलिटिक्स की, तो ये सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी चीज़ के राइज के लिए। सबसे पहले तो लोगों को विश्वास होना चाहिए, ठीक है, फिर एक ग्रुप होना चाहिए उन लोगों का जो विश्वास करते हैं और उसे प्रोपोगेट करें। उसके अलावा पॉलिटिक्स यानी कि जहाँ पावर इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहाँ पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यही जरूरी होता है। तो अब हम चलो देखते हैं क्या होता है कि लगभग 612 से 32 के बीच में क्या हुआ, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिसे आप कहते हो पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, उन्होंने अपनी जो प्रीचिंग यानी कि जो अपने उद्देश्य थे, वो मतलब उपदेश देने शुरू करें कि एक भगवान होता है और एक भगवान की वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो ये मेंबरशिप थी, जो लोग इस चीज को मानते थे, उन बिलीवर्स को एक नाम दिया उम्मा। उम्मा एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, जो कि इस चीज को मानती थी कि एक भगवान की पूजा करनी है जो कि अल्लाह है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होता है इस्लाम का, यानी कि यहाँ से इस्लाम का उदय होता है। और मोहम्मद जो थे, वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो उनकी भाषा अरबी थी, मतलब वो अरबी थे, ठीक है। प्रोफेशन से एक मर्चेंट थे, यानी कि एक व्यापारी के बेटे थे, व्यापारी थे, ठीक है, और अरबी इलाके से आते थे, अरबी कल्चर था इनका। 6th-7th सेंचुरी में जो अरब कल्चर जो इन्होंने ज्यादा स्टार्ट किया, वो बेसिकली अरबियन पेरेंसुला में ही हुआ। और पेरेंसुला क्या होता है, प्रायद्वीप होता है, जैसे आप अरब देखोगे ना मैप में जो भी है, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो अरबी पेरेंसुला में। इसके अलावा साउदर्न जो हमारा सीरिया है उस वाले इलाके में, और मेसोपोटामिया जो आपका ईरान वाला इलाका था, वहां पे स्टार्टिंग में मुस्लिम धर्म इमर्ज हुआ था। एक बार मैप में देख लेते हैं, चलो देखो अब आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अरेबिया है, जो कि ये पेनिनसुला है ना ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में ये यहाँ इमर्ज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो सीरिया है, साउदर्न सीरिया स्पेशली ये वाला इलाका, और जो इराक है, जो मेसोपोटामिया वाला इलाका है ईरान इराक का, ठीक है, इन इलाकों में ये स्टार्टिंग में फैला था, ठीक। इसमें भी अरेबिया में भी स्पेशली यहीं पे, अभी हम देखेंगे किस तरह से मक्का इंपॉर्टेंट हुआ, मक्का से मदीना, ये कैसे कैसे थे। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ये रहते कहाँ थे, ये मक्का के रहने वाले थे, स्पेशली कुरैश इनका पंथ था, यानी कि एक तरह से जो हम जाति कह देते हैं उस समय की, एक तरह से वर्ग का नाम इनके कुरैश था, ठीक है, जो इनकी ट्राइबल जाति थी। ट्राइबल यानी कि ये लोग क्या थे, कबीलों में रहते थे, इनके कबीले होते थे और इनका कबीला स्पेशली कुरैश था, ठीक है। पूरे जो अरब लोग थे वो ट्राइब्स में डिवाइडेड होते थे और उनका एक अपना सरदार होता था। हर सरदार के, जो नया सरदार बनता था उसके बेसिस क्या होते थे, ज्यादातर तो फैमिली कनेक्शन होते थे, मतलब फैमिली कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट होता था ये भी देखते थे कि उसके अंदर साहस कितना है, बुद्धिमत्ता कितनी है, और जेनरसिटी यानी कि एक तरह से वो कितना जेन्युइन है उस काम के लिए, कितना इंटेलिजेंट है वो, किस तरह से वो चीजों को लीड कर सकता है, उस बेसिस पे वो अपने लीडर चुनते थे। वहां पे क्या होता था, हर ट्राइब के अपने खुद के देव देवता होते थे और वो अलग तरह से उनका वर्शिप करते थे, उनकी श्राइन्स होती थी। श्राइन्स यानी कि एक तरह से मठ कह सकते हो, जैसे पूजा के लिए मंदिर वगैरह होते ना, इस तरह से ही श्राइन्स होती हैं, तो उनके वो अपने होते थे, ठीक है। इसके अलावा एक वहां पे क्या थी, एक कम्युनिटी थी जो नोमैडिक थी। नोमैडिक यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जिन्हें ये बेदुइंस कहते हैं। जो बेदुइंस थे वो क्या करते थे, वो ट्रैवल करते थे ड्राई इलाकों से, कभी जाएंगे कहाँ पे, ओसिस वाले इलाके में, लाइक ग्रीन इलाके में। ओसिस क्या होता है, जब डेजर्ट के बीच में छोटा सा पानी का इलाका होता है, तालाब वगैरह वाला होता है, वो उस वाले इलाके को ओसिस कहते हैं। तो वो ड्राई इलाके से ग्रीन इलाकों में घूमते रहते थे, किस लिए, कि उनके जो कैमल्स वगैरह हैं उनके लिए चारा मिल जाए, खुद उनके लिए खाने के लिए खाना मिल जाए, तो इसके लिए वो ट्रैवल करते रहते थे। कुछ धीरे धीरे सिटीज में सेटल होने लगे, कुछ उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, कुछ एग्रीकल्चर में सेटल हो गए। अगर हम मोहम्मद के अपने ट्राइब की बात करें, तो मोहम्मद का अपना ट्राइब कुरैश था, मैंने आपको बताया, ठीक है, और वो मक्का में रहते थे। उनका अपना एक श्राइन था जिसे वो कंट्रोल करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हर ट्राइब के क्या होते थे, अपने खुद के श्राइन होते थे, अपने खुद के भगवान होते थे, जहाँ वो पूजा करते थे, ठीक है। तो जहाँ पे ये लोग थे स्पेशली, वो इलाका था काबा का, ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा कई बार, काबा बहुत फेमस है मुस्लिम धर्म में। तो ये स्टार्टिंग में कुरैश जो इनका ट्राइब थी, उनका श्राइन था काबा, ठीक है। यहाँ पे इनके जो मूर्तियां, आइडल्स थे, बुत थे, वो स्थापित थे जहाँ पे लोग आते थे। और काबा सिर्फ इन्हीं का ही, जो मक्का के लोग थे उन्हीं के लिए ही वो नहीं था, क्या
पूजनीय नहीं था, बल्कि जो आउटसाइडर्स थे उनके लिए भी पूजनीय था। वो भी लोग आते थे, उसे धार्मिक मानते थे और यहाँ पे कुछ धार्मिक यात्राएं करते थे, पिलग्रिमेज आते थे, यात्री आते थे, धार्मिक यात्री जो हज करने आते थे। हज तो आपने नाम सुना है कितना फेमस है, ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे तब लोग आते थे। अगर आप स्पेशली मक्का की बात करो तो मक्का कहाँ पड़ता है, मक्का पड़ता है यमन और सीरिया के इलाके में, जो कि एक व्यापारिक इलाका है, ठीक है, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब आप फिर से अपने मैप को देखोगे तो यमन और सीरिया आपको वहीं देखने को मिलेंगे, सीरिया यहाँ पे, ठीक है, यमन आपको नीचे देखने को मिलेगा और वहीं पे एक मक्का आता है। तो क्योंकि ये इनके आसपास वाले इलाके में पड़ता है, इनके सेंटर की तरह पड़ता है, इसलिए और भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब व्यापारी होते हैं सबसे ज्यादा ट्रैवल वहीं करते हैं, वही कल्चर को अपने साथ लेके जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, चीजें ट्रैवल बहुत जल्दी करती हैं। अगर हम मक्का श्राइन की बात करें तो ये एक सेंचुरी की तरह काम करता था, यानी कि एक हरम की तरह, लाइक वहां पे सभी लोग धार्मिक भावनाओं के साथ ही आते थे, वहां पे वायलेंस करना अलाउ नहीं था, ठीक है, यानी कि हिंसा अलाउ नहीं थी, और साथ में हर विजिटर के, यानी कि जो भी वहां आएगा उसकी प्रोटेक्शन होती थी, लाइक कोई उसे नहीं मारेगा, कोई हिंसा नहीं होगी, तो वहां प्रोटेक्शन दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पिलग्रिमेज यात्राएं होती थी, यानी कि जो धार्मिक यात्राएं होती थी, या फिर जो ये धार्मिक यात्रा करने वाले लोग आते थे, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो सेटल ट्राइब्स थी, यानी कि कुछ वो वाले जो आदिवासी लोग थे, वो ट्राइब्स, वो कम्युनिटी जो सेटल थी, जो रहती थी एक जगह, ठीक है, और जो नोमैडिक थी, जो घूमती थी, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना स्पेशली पिलग्रिमेज की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, अब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब हम ट्रैवल करते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हम कल्चर शेयर करते हैं, तो इसी तरह से इनका कल्चर धीरे धीरे शेयर होने लगा। अगर हम बात करें आगे, तो ये जो अरब वाले लोग थे, पॉलीथिस्ट थे। पॉलीथिस्टिक क्या होते हैं? जो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। मोनोलिथिस्टिक कौन होते हैं? जो एक भगवान को मानते हैं। तो अरब के लोग कौन थे? अभी मैंने बताया हर ट्राइब के अलग अलग भगवान थे पहले, तो पॉलीथिस्ट थे। इन लोगों को ये जो नोशन था, यानी कि ये जो आइडिया था सुप्रीम गॉड का कि एक ही भगवान होते हैं, बहुत ही वेगली फैमिलियर थे उनसे। वेगली यानी कि बहुत ही, मतलब ज्यादा नहीं जानते थे वो इस बारे में, ठीक है, थोड़े बहुत ही जानते थे। और ऐसा क्यों था कि ये थोड़ा बहुत ही जानते थे, या फिर वो सुप्रीम गॉड को इतना नहीं मानते थे? क्योंकि तो थोड़े इन्फ्लुएंस में थे जूस और क्रिश्चियंस के। अब ये जूस और क्रिश्चियंस यहाँ पे कहाँ से आ गए? आपको पता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक तरफ रोमन एम्पायर था, ठीक है, और एक तरफ ईरानियन एम्पायर था, ठीक है। रोमन एम्पायर में क्या चीज फेमस थी? क्रिश्चियन धर्म फेमस था, और उसके अंदर एक माइनॉरिटी जूस कम्युनिटी थी, ठीक है। तो उनके इन्फ्लुएंस में थे ये लोग, अरब के लोग, तो इतने वो नहीं जानते थे कि भाई, मतलब इतना नहीं मानते थे कि एक सुप्रीम गॉड हो सकते हैं, बल्कि ये पॉलीथिस्ट थे, यानी कि बहुत सारे भगवानों को मानते थे, ठीक है। इनका मोर इमीडिएट अटैचमेंट किससे था? मोर इमीडिएट अटैचमेंट अपने अपने आइडल्स और अपने अपने श्राइन से था, यानी कि जो इनके ट्राइबल के भगवान होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 612 में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग करी, बिल्कुल ही स्टार्टिंग करी मोहम्मद जी ने, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर करा अपने आप को कि वो संदेश वहां के भगवान के, कि वो भगवान के संदेश वहां के, वो सबको क्या देंगे? संदेश देंगे अल्लाह का कि कैसे उनकी पूजा करी जानी चाहिए। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीजें इन्वॉल्व थी, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, लाइक डेली प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स थे, कुछ सिद्धांत थे, ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि दूसरों को कुछ खैरात बांटनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जो मतलब खैरात उर्दू का वर्ड हो गया, एक तरह से जैसे भिक्षा देनी होती है ऐसा देना चाहिए, और इसके अलावा कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सब इनके क्या होते थे? रूल्स होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद जो थे, उन्होंने एक कम्युनिटी फाउंड करी। अभी हमने देखा कि जो भी लोग इसमें विश्वास रखते थे, ठीक है, उन लोगों को उम्मा कहा जाने लगा, ठीक, उनके कॉमन रिलीजियस बिलीफ होने लगे, ठीक है, कॉमन सेट कर दिए गए कि भाई तुम इन विश्वासों को मानोगे। धीरे धीरे ऐसा बन ही जाता है कि हम रूल्स ना बनाते हुए भी बन ही जाते हैं कि तुम यही मानने वाले हो। ये जो कम्युनिटी थी, ये विश्वास दिलाया जा रहा था उनके आदेशों में, उनके संदेशों में, कि ये जो कम्युनिटी है ये एक तरह से साक्ष्य होगी किस चीज का, कि भगवान धरती पर मौजूद है, और धरती पे कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो रियल के भगवान को जानती है एक तरह से, वो कि यही कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, ये विश्वास दिलाया गया इस कम्युनिटी को कि यही कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो असलियत में भगवान को जानती है, और साथ में क्या है कि धरती पे उसे विटनेस करेगी, भगवान को ये विटनेस करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मोहम्मद का मैसेज था वो पर्टिकुलर क्या था, उन लोगों तक भी पहुंचा जिन लोगों को ट्रेड में, रिलीजन में कोई गेन्स नहीं मिल रहे थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमेशा नुकसान, और गरीब जो लोग थे उन लोगों को उन्होंने बहुत अट्रैक्ट करा। अगर हम इंडिया के सिस्टम में बात करें तो इंडिया कि हिंदू रिलीजन से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके फिर बौद्ध धर्म की स्थापना बाद में हुई होती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अंबेडकर जी ने फॉलो किया था। क्यों फॉलो किया था? जब वो हिंदू धर्म से तंग आ गए थे, तब उन्हें लगा था कि हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम की वजह से कभी उन्हें इंपॉर्टेंस इतनी नहीं मिलेगी, और क्योंकि बौद्ध धर्म किसे डिपिक्ट करता है?
वो इक्वालिटी की बात करता है, तो उन्होंने ये रिलीजन चेंज कर लिया, वो अट्रैक्ट हो गए बुद्धा की तरफ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे सीन होता है कि जो लोग ट्रेड वगैरह में इतने आगे नहीं थे, ठीक है, रिलीजन में इतना इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं मिल रही थी, तो वो लोग बहुत ज्यादा क्या हुए, आगे बढ़े। अब जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को एक्सेप्ट करा, उन लोगों को हम मुस्लिम कहने लगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या कहाँ हुई, सिर्फ एक आइडिया से हुई, धीरे धीरे लोग जुड़े, ठीक है, उनके अलग अलग प्रीचीज आई, संदेश आए, लोगों ने संदेश मानना शुरू करा और एक धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंश्योर करते थे अपनी स्पीचेस में कि जो कयामत का दिन होगा ना, जो डे ऑफ जजमेंट होगा, तो जितनी भी आत्माएं हैं, यानी कि जितने भी लोग को हमने दफन कराया ना, वो सब उठेंगी, उन सबका जजमेंट होगा, और इसमें जो भगवान अल्लाह की कम्युनिटी है जो प्रेयर करती है उनकी, उन्हें बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, उनके साथ सब सही होगा। इसके अलावा ये भी कंसिडर किया जाता था कि जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे, यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी रिसोर्सेज उसे काफी अच्छे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप देखो, मक्का में ये रहते थे, ठीक है, मक्का के कुरैश थे, ठीक है, मक्का में ये रहते थे, मक्का में क्या था, पॉलीथिस्ट था, यानी कि बहुत सारे भगवान थे। तो मक्का लोगों को ये कैसी चीज डाइजेस्ट होती है कि कोई एक नया बंदा उठ रहा है और वो कह रहा है कि बहुत सारे भगवान नहीं है, तुम सबके अलग अलग भगवान नहीं है, बस ये एक भगवान है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। ठीक है, तो मक्का के लोगों ने रेबल करना शुरू करा। ठीक है, अब इस जो ये रेबेलियन चीजें शुरू हुई, जो ये यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, तब क्या हुआ, मोहम्मद को क्या हुआ, इस हमारे पैगंबर साहब को, जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। क्या, मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ठीक है, तो जब वो मक्का छोड़ के मदीना गए, एक तो ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा वो था, यानी कि क्या था, बहुत ही फेमस हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ये लगभग 612 में कहाँ गए, मदीना पहुंच गए। और जब ये मदीना गए, यहीं से इनका जो एक कैलेंडर है, जो मक्का जब जा रहे थे, तो हिजरी कैलेंडर यहाँ से इनका फेमस होता है। ठीक है, जिस ईयर से ये गए, यानी कि 622 वाला जो ईयर था क्रिस्ट के जन्म से, तो क्या हुआ, जब इनके क्रिसमस जी के, वो मतलब क्रिसमस जी नहीं, क्रिश्चियंस के जो क्रिस्ट थे, उनके जन्म के 622 साल बाद से हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। जो हमारा 2020 है वो किसके अकॉर्डिंग है, इनके जन्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें 2020 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 622। ठीक है, तो लगभग तब एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आप आगे देखोगे किस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस भी मतलब दोनों कैलेंडर्स के बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इनके देवी देवताओं को जब रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये मक्का के लोगों को गुस्सा आने लगा। ठीक है, तो उन्हें छोड़ के क्या करना पड़ा, माइग्रेट कर देना पड़ा मदीना की तरफ। ठीक है, अब इन्होंने ट्राइब्स को थोड़ा सा समझा रखा है, ट्राइब्स कौन सी सोसाइटीज होती थी, ट्राइब वो सोसाइटीज थी ऑर्गेनाइज थी किसके, ब्लड रिलेशनशिप पे, यानी कि एक दादा, उनके बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ठीक है, फिर उनके चाचा वगैरह सब निकल गए, तो सब ब्लड रिलेशन पे थे, कॉम्बिनेशंस थे बड़ी बड़ी फैमिलीज के। इसके अलावा जिससे ही अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो किन्हीं किन्हीं इमर्ज करने लगे, बाकी ट्राइब्स को भी अपने अंदर इमर्ज करने लगे, यानी कि वो क्लांस, वो वंशज, वो वंशों का ग्रुप जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं था, धीरे धीरे इन्हें भी ऐड करा जाने लगा। क्यों करा जाने लगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी उतनी बड़ी सत्ता, ठीक है, इसलिए उन्हें ऐड करा जाने लगा। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया कि दूसरे नॉन अरब इंडिविजुअल्स को पेट्रोनेज वाला काम कर दिया, जो पेट्रोन दे देते थे ना, पेट्रोन यानी कि अपने संरक्षण में रख लेते थे, लाइक कोई महाराजा है, कोई बड़ा सा मान लो इनका सरदार है, बहुत अमीर है, तो उसने कुछ लोगों को क्या कर दिया, शरणार्थी की तरह अपना बना लिया, तो ये इसके अंडर ही काम करेंगे। ठीक है, और इसकी पावर भी स्ट्रांग हो रही है कि इससे इतने लोग इन्फ्लुएंस है, तो ये काम पूरा होता था वहां पे भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लेकिन जो भी जो लोग थे जो बाहर से इन्होंने आए और इस्लाम में वो कन्वर्ट हुए, उन लोगों को कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं किया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, उनकी एक अलग मस्जिद होती थी, उनकी वैल्यू थोड़ी अलग थी। ठीक है, तो वो कभी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। अब देखो ये फोटो किसका है, ये एक तरह से वो फोटो है जो ये बता रहा है कि ये इसे मैसेंजर माना गया भगवान का, जो कि मोहम्मद साहब को मैसेजेस देता था। ठीक है, 13th सेंचुरी की पेंटिंग है। ठीक है, अजाइन क्या है, यहाँ पे अजैबुल मुखलुक, ठीक है, ये उर्दू वर्ड्स आपको याद नहीं करने होते हैं। इस पिक्चर में बेसिकली दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है कि जो मोहम्मद के मैसेंजर है, जो मैसेंजर लेके आते थे, जो जिन वगैरह होते थे, मतलब अभी आप देखोगे किस तरह से तीन लोग फेमस थे। देखो यहाँ पे, यहाँ उस इस्लाम में माना जाता है कि तीन लोगों से कम्युनिटी पूरी चलती है, एक तो ह्यूमन खुद, ठीक है, एक जिन होते थे, और ये एक एंजल, ये एक एंजल की तरह आया है। ठीक है, ये एंजल है जो संदेश वाहक की तरह मोहम्मद को संदेश देके जाता है। ठीक है, और इसने जो फर्स्ट वर्ड बोला था, कहा जाता है, वो बोला था रिसाइट, रिसाइट को उर्दू में कहता है इकरा, और इकरा से ही वर्ड निकला है कुरान। ठीक है, जो कुरान की स्टार्टिंग हुई है, कुरान के शब्दों की, वो इकरा शब्द से हुई है, जो कि माना जाता है कि इस एंजल ने सबसे पहले जो शब्द बोला था वो था। ठीक है, उसके आधार पर कुरान को एस्टैब्लिश किया गया। अगर आप इस्लामिक कैलेंडर की बात करो, जो मैंने कहा हिजरी कैलेंडर जो था, हिजरी जो एरा था, वो लगभग हमें पता है कि क्रिस्ट एरा के 622 साल बाद हुआ। ठीक है, कब हुआ, 622 साल बाद हुआ। ठीक है, हिजरी जो कैलेंडर वो है, हिजरी साल जो होते हैं वो ल्यूनर ईयर्स होते हैं। ल्यूनर ईयर क्या होते हैं, देखो हमारा क्या है, सोलर ईयर है, सोलर ईयर यानी कि
जब दिन निकलता है, जब सूरज उगता है तब से हम दिन की स्टार्टिंग मानते हैं, और फिर जब सूरज अस्त हो जाता है तब शाम हो जाती है, और फिर रात को रात हो ही जाती है, फिर अगेन जब सूरज निकलता है तब हमारा नया दिन होता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दिन छिपता है, जब रात होती है तब से नया दिन माना जाता है, ठीक है। और फिर पूरा दिन ऐसे चलेगा, सूरज उगेगा, सूरज ढलेगा, फिर जब दोबारा रात आएगी तब वो नया दिन होगा फिर से स्टार्ट, ठीक है। तो इस कैलेंडर को ल्यूनर ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग चलता है, और साथ में एक महीने में भाई 12, एक साल में 12 महीने, ठीक है, और एक महीने में कितने दिन, 29 या फिर 30 दिन, इस तरह से इनके दिन होते थे। जैसे हमारे अब क्या है, जो हम मानते हैं यूनिवर्सली 30 से 31 दिन होते हैं, इनके कैलेंडर में क्या था, 29 से 30 दिन थे, ठीक है। और ये जो जॉर्जियन कैलेंडर था जो बाद में बहुत फेमस हुआ, पॉप जॉर्जी 13 के द्वारा, जो 1582 से उन्होंने जो कैलेंडर शुरू करा था, अगर हम उससे रिलेशन निकालें तो इतने टिपिकल फॉर्मूला से वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो 622 भी प्लस करा क्रिस्टेरा को निकालने के लिए, क्योंकि 622 साल बाद हिजरी कैलेंडर शुरू होता है, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस कर दिया, यानी कि एक तरह से ये है कि इस सीन में तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, बट ये है कि रिलेशन इतना टिपिकली निकलता है कि हिजरी में से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 32/33 को, ठीक है, और प्लस कर देंगे 622 को, यानी कि 622 क्यों प्लस करा, क्योंकि क्रिस्टेरा तो 622 साल पहले स्टार्ट गया, और हिजरी में इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, क्योंकि वो 622 साल आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब तो चलता रहता है। अब हम आगे देखते हैं, जब भी हम किसी भी रिलीजन की बात करें तो उसका बढ़ना डिपेंड करता है कि उसके बिलीवर्स कितने हैं और उसकी कम्युनिटी कैसी है। अगर हम इससे रिलेटेड बात करें तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके इंटरनल सिक्योरिटी भी हो, कंसोलिडेट भी हो, इकट्ठे भी रहें और प्रोटेक्टेड भी रहें, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन और प्रोटेक्शन क्या रिक्वायर करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। भाई तुम लोगों को जोड़ के कैसे रखोगे, जब तुम्हारी कुछ सत्ता होगी, लोगों का किसी चीज़ में विश्वास होगा। प्रोटेक्शन भी तुम तभी दे सकते हो जब लोगों को बताओगे कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हें इकट्ठा करके रख सकता हूँ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 3 मेथड बताए गए हैं कि या तो तुम पास से इनहेरिट कर लो, कि तुम इतिहास से, अतीत से तुम्हारा कोई राजा महाराजाओं का सिस्टम चला रहा है, तुमने उसे इनहेरिट करा और आगे बढ़ गए, या फिर तुम बाहर से कहीं से बोरो करो, लाइक तुमने किसी और राजा का वो ले लिया, क्या ले लिया, शरणागति हो गए किसी और राजा के, और वो राजा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, या फिर स्क्रैच से सब कुछ शुरू करो, कि खुद ही लोगों की कम्युनिटी इकट्ठी करो, उन्हें पावर दो, खुद ही ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, मतलब उनके रूल्स वगैरह को मैनेज करो। तो मोहम्मद साहब ने क्या करा, मदीना में तीनों ही तरीके अपनाए, ठीक है। कैसे, उन्होंने धीरे धीरे जो पॉलिटिकल ऑर्डर था वो इस्टेब्लिश करा, ठीक है। धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स को कुछ रीज़न दिए, कुछ सोर्सेज दिए कि जहाँ से उनकी जो दिक्कतें थी वो रिजॉल्व करी जा सकें, ठीक है। उन्होंने उम्मा को कन्वर्ट करा एक बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्टिस में। अब तक उम्मा क्या था, सिर्फ मुस्लिम जो लोग थे, जो जो उस रिलीजन के हो गए थे उन्हें उम्मा कहा गया, लेकिन अब उम्मा में कौन लोग आए, उम्मा में उन लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया जो कि पॉलीथिस्ट थे, यानी कि एक अल्लाह को नहीं मानते थे, बहुत सारे भगवानों को मानते थे। जैसे जूइस, मदीना के जो जूइस लोग थे, यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है, ठीक है, उन लोगों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, जिससे मोहम्मद की पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद ने किन चीज़ों, किन लोगों को इकट्ठा करा, उन्होंने जो भी फॉलोअर्स उनमें विश्वास रखते थे, उनमें कुछ रिचुअल, उनकी परंपराओं में कुछ चेंजेस करके, उन्हें एथिकली प्रिंसिपल को सेट करके उन्हें अपने अंडर ले लिया, ठीक है। अब ये सर्वाइव कैसे करती थी इनकी कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी सर्वाइव करती थी एग्रीकल्चर से, खेती से, व्यापार से। इसके अलावा जो अल्म्स टैक्स होते थे, यानी कि जो टैक्स मिलते थे थोड़े बहुत, ठीक है, इसके अलावा जो इन्हें खैरात मिलती थी उससे ये सब अपना गुजारा करते थे। अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स ने अपना एक ऑर्गेनाइज एक्सपेंडिशन करा, यानी कि अपने आप को बढ़ाने के लिए मक्का पे वो रेड करते थे। उस रेड से क्या फ़ायदा होता था, रेड में अगर जीते तो मक्का के उस वाले इलाके के सारे रिसोर्सेज ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इन बहुत सारी बैटल्स के बाद में मक्का की भी मजबूरी हो गई कि मक्का भी अब क्या करें, मक्का भी अब आगे से वार करना शुरू करें। तो मक्का का जो रिएक्शन आने लगा ना, प्रोवोकिंग रिएक्शन, वो मदीना के यहाँ से जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, जब मदीना के लोगों ने, जब मोहम्मद के अंडर मदीना के लोगों ने मक्का पे, जो मक्का वो छोड़ के आए थे वहाँ पे, जब वो बैटल्स वगैरह करने लगे तो मक्का के लोग भी रेबल करने लगे फिर से, ठीक है। तो इस सब चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी बैटल्स हुई। इन बैटल्स में फाइनली मोहम्मद साहब ने अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करा और मक्का को जीत लिया। मक्का को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कन्वर्जन करना शुरू कर दिया, सोल क्राइटेरिया रख दिया कम्युनिटी के मेंबरशिप का। देखो कितना इंटेलिजेंटली काम करा, पहले उन्होंने कम्युनिटी को सिर्फ थोड़ा बहुत ये कहा कि ये आइडिया है, अगर आप चाहो तो आ जाओ, स्टार्टिंग का जब उम्मा बनाया। उसके बाद उन्होंने सबको उम्मा में ऐड कर लिया, भले ही कोई पॉलीथिस्ट हो, कोई और हो, जूस हो, कुछ भी, सबको ऐड कर लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपनी चीज़ें जीत ली, ठीक है, मक्का में, ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको एक ही सोल क्राइटेरिया दे दिया कि अगर आप इन विश्वासों को मानते हो, अगर आप मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करते हो, तो आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाओगे,
ठीक है, अब उन्होंने ये कर दिया, इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी, सॉलिडारिटी बढ़ी, अरब लोगों का अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ऐसी कम्युनिटी में, डेजर्ट जैसी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती भी हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद के अचीवमेंट थे, इससे कुछ ट्राइब बहुत ज़्यादा क्या हुई, इंप्रेस हुई कि भाई उसने अच्छा पूरा कम्युनिटी जीत लिया है। तो फिर कुछ लोगों ने खुद ही अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाया और मोहम्मद साहब के साथ जुड़ गए। इसके अलावा मोहम्मद के जो अलायंस थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे पूरे अरब में, पूरे मतलब सारे इलाकों में बढ़ने लगे। ठीक है, मदीना अब क्या बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, यानी कि शासन कहाँ से होता था, मदीना से होता था। और मक्का क्या बन गई थी, रिलीजियस सेंटर। अब इन्होंने मक्का को रिलीजियस सेंटर क्यों बनाया, हमें पता है क्योंकि मक्का में क्या सिचुएटेड था, ऑलरेडी काबा था, काबा को लोग पहले से धार्मिक स्थल मानते थे। ठीक है, और ये जो मोहम्मद थे अपने जन्म से भी तो मक्का में ही रहते थे, कुरैशी थे, तो ये क्या बन गए, एक रिलीजियस सेंटर बन गए, और मदीना क्या बन गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया। तो इस तरह से जो मुस्लिम लोगों के पहले जो श्राइन थे, धीरे धीरे श्राइनों को खत्म करा गया और क्या बना लिया गया, पूजा करने के लिए उन्हें जगह दे दी गई जहाँ पे वो यूनाइटेडली अपने विश्वास के साथ, कम्युनिटी के साथ बैठकर पूरा पूजा वूजा कर सकते थे। यानी कि पूजा इन द सेंस वो आरती वाली पूजा नहीं, जो इनकी अपनी वो नमाज अदा करना, ये सारी चीज़ें शुरू होने लगी थी। ठीक है, जो अगर हम देखें तो अर्ली इस्लामिक पॉलिटी में ये रिमाइंड करवाया गया कि जो अरब के ट्राइब्स थे वो अलग अलग क्लान से, यानी कि अलग अलग वंश के होते थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोगों से इन्वॉल्व होके बने थे। ठीक है, यहाँ पे देखो फोटो में क्या है, ये जो लोग हैं यहाँ पे ये इबादत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं बल्कि इबादत वर्ण ही सही है, बेस्ट है। ठीक है, तो जो पिलग्रिम्स है, यानी कि जो यात्री हैं, जो काबा आते हैं, जो धार्मिक यात्री हैं, ठीक है, उन्हें दिखाया गया है इस मैन्यूस्क्रिप्ट में, पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी कि ईरान के लोगों ने बनवाई है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी हमने देखा कि कैसे जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने पूरा इस्लाम को स्टार्ट किया। ठीक है, किस तरह से उसे पावरफुल चीज़ें बनाई, पावरफुल आइडियोलॉजी बनाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो कैलिफेट का पूरा आइडिया, जो खिलाफत और ये खलीफा वाला जो आइडिया होता है, एक्सपांशन होता है उसका, सिविल वॉर भी होती है और फिर सेक्शन फॉर्मेशंस होते हैं बहुत सारे, कैसे कैसे एरियाज डिवाइड होते हैं, इनका युद्ध होता है, हम सब देखेंगे। ठीक है, आगे वाले पार्ट्स में, तो स्टे ट्यून्ड टिल देन। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन देख लीजिए। ठीक है, वैसे भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट वन देखोगे, और अगर आप चाहो तो इसके कुछ पॉइंटेड नोट्स बना सकते हो, लाइक पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि चैप्टर वास्ट है, बुक के साइड में अगर आप लिख लोगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा। ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि अभी तक इतना कुछ टिपिकल नहीं आया है, नेक्स्ट पार्ट में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे मतलब नेम्स समझने पड़ेंगे, और जो इनके सुल्तान थे या फिर खलीफा हुए या फिर जो इनके अलग अलग लोग हुए जिन्होंने अलग अलग ट्राइब्स ने आक्रमण किया, हम वो देखेंगे। तो आप साइड में बुलेट पॉइंट्स बुक के साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, जो कि आपको रिविजन के टाइम पर हेल्प करेगा। देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। बाय बाय।